मैं माधव कीर्ति दास, फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ हॉलिस्टिक नेचर केयर एंड योगा रिसर्च फाउंडेशन ऋषिकेश। आई एम एन इंटरनेशनल हॉलिस्टिक हेल्थ कोच एंड हॉलिस्टिक योगा गुरु। बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं कि कुछ कुछ ईजी सा कुछ बताइए कि कैसे जनरल वे में हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, कुछ ऐसा टिप्स बताइए। देखिए, नेचुरोपैथी जो भरोसा करता है वो ये है कि आपके शरीर में अशुद्धि तत्वों का जमा हो जाना, जब टॉक्सिन मैट्रिक्स जमा हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिन को हटाने के लिए 5 अंग है जो डिटॉक्स करता है हमारे शरीर को। अगर उसको आप ठीक रखेंगे तो फिर आपको कोई बीमारी होने की संभावनाएं ना के बराबर है। तो ये 5 अंग और हमारे शरीर के अंदर में 9 द्वार है, नव द्वार जो ओपनिंग्स हैं, 9 ओपनिंग्स हैं, 9 खुले हुए द्वार हैं जिसको हमें साफ सफाई रखना है, जहाँ से बैक्टीरिया, जहाँ से वायरस, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें जाती रहती है और जिसकी वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन भी होते हैं और प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो 9 द्वार है उसका हमेशा साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, उसका ऑयलिएशन, उसमें तेल डालते रहना बहुत ज़रूरी है स्मूथ फंक्शन के लिए। तो ये जो 9 द्वार है, कौन कौन से 9 द्वार हैं हम आपको बता दें, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 1 जननेंद्रियां और 1 गुदा द्वार। तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 8, 1, 9। तो 9 ये जो द्वार हैं उसकी सफाई निरंतर करते रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। ये 9 द्वार की सफाई करते वक्त हमेशा ध्यान रहे कि इसका वीकली कुछ तो हम डेली करते हैं, जैसे मुंह की सफाई हम रोज़ करते हैं, आँख की सफाई हम रोज़ करते हैं, लेकिन आँखों की सफाई हमें 3 से 4 बार रोज़ करनी चाहिए। रोज़ ठंडे पानी, जहाँ भी ठंडा पानी देखें आँखों में डालें, ना कि ठंडा पानी आप जो है पिए, ठंडा पानी पीने के लिए नहीं होता है, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए या फिर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, और हो सके तो आप खाने के बाद हमेशा 1 कप, जैसे 1 प्याला आप चाय पीते हो ना, उस तरीके से आप हो सके तो सिर्फ 1 कप खाने के बाद पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, और आप देखिए कि आपको आपका डाइजेशन कैसा अच्छा रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो 9 गेट्स है, ऐसा कान, लोग बाग भूल गए हैं कान की सफाई करना, बहुत सारे कान से रिलेटेड बीमारियां आती है हमारे पास, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को सुनाई कम पड़ता है, किसी को कान में आवाज़ें आती रहती है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो कान में आप ध्यान दीजिए, जो पुराने लोग होते थे कान में हमेशा तेल डाला करते थे, सरसों का तेल डाला करते थे, आज किसी को मालूम नहीं सरसों का तेल डालना भी चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो हम ये सब एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चक्कर में ये सब भूल गए हैं, लेकिन एक कहावत है ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी थ्योरी है आज भी थ्योरी सही है, हमें उसको अडोप्ट करने की ज़रूरत है। आप क्या करिए, कान के लिए 2 बूंदे यहाँ डालिए और 2 बूंदे यहाँ डालिए, दोनों के बीच में 5-7 मिनट गैप रखिए, 2 बूंद डालने के बाद आप ऐसे 5-7 मिनट रुकिए और 2 बूंद इसमें डालिए, 5-7 मिनट रखिए, तेल जब चला जाए तो उसका स्वाद आपके गले तक आएगा, तो मतलब आपने रख लिया। तो ये हर हफ्ते में 1 बार ऐसा करना चाहिए, इससे कान के इन्फेक्शन, कान की मजबूती, सुनाई में कमी कभी नहीं होगा, ईयर ड्रम और ये सब बहुत सारी अच्छे से कार्य करेंगे। नाक नाक में भी तेल हमें डाल के थोड़ा मसाज करना चाहिए, षडबिंदु तेल जो वैद्यनाथ का आता है, या अणु तेल, या नहीं तो सरसों तेल, शुद्ध सरसों तेल, कच्चे घानी का तेल लेकर के आप दोनों नाक में 1-2 बूंद डाल करके कर सकते हैं, ऐसा नहाने से पहले कर सकते हैं। अगर रोज़ नहीं किए तो आप रविवार के दिन कर लीजिए तो भी चलेगा। उसके बाद आप मुंह की सफाई करते ही हैं, जेनिटल की सफाई करते ही हैं और एनस की सफाई करते ही हैं। एनस की सफाई के लिए अगर आप एनएस की सफाई के लिए अगर आप एनिमा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से जो हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, 9 गेट्स हैं, उसकी सफाई हमें डेली एंड वीकली करना चाहिए। दूसरा, जो हमारे शरीर के अंदर 5 महत्वपूर्ण अंग है जिसको बोलते हैं शुद्धिकरण अंग, पंचकोश शुद्धि जिसको आयुर्वेद में कहा गया, ये पंचकोश शुद्धि, 5 हमारे अंगों को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये 5 अंग बहुत रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता रहता है, हमारे शरीर से टॉक्सिन को निकालता रहता है। ये 5 अंग है हमारा हमारा आँत, छोटी आँत, बड़ी आँत, दूसरा हमारा लीवर, लीवर यकृत जिसको कहते हैं,
और लंग्स, उसके बाद हमारा किडनी है, उसके बाद स्किन, तो त्वचा, स्किन त्वचा, सो इंटेस्टाइन, मतलब यकृत को कैसे साफ़ करेंगे, तो एनिमा लीजिए, यकृत इंटेस्टाइन ही, या इंटेस्टाइन का मतलब आँत, आँत की कैसे सफाई करेंगे, उसके लिए एनिमा, फास्टिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप स्लीप, जूसेस, मसाज, योगासन, प्राणायाम। बेस्ट वे है कि अगर आप सुबह पानी थोड़ा पीते हैं तो एक दो ग्लास पानी पीने के बाद आप तीन आसन करें, त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, तो ये तीन आसन करने से आपके कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेंगे, आपका जो जो आते हैं वो ट्विस्टिंग होगा, और ट्विस्टिंग होने के बाद डेफिनेटली वो हेल्दी हो जाएगा और कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा। दूसरा जो अंदर है लीवर, लीवर की भी शुद्धि क्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर के अंदर हमारे भोजन से बहुत सारी चीज़ों को हटाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह वगैरह, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लीवर। हमारे शरीर में जितनी भी डिजीज़ है ना, उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लीवर बहुत कहीं जिम्मेदार होता है, तो लीवर को हमें हमेशा साफ़ सफाई और डिटॉक्स कर रखने की ज़रूरत है। लीवर कैसे हमारा साफ़ रहेगा, उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि व्हीट ग्रास का जूस, यू नो, घास का जूस, या गेहूं के जो तने होते हैं, व्हीट ग्रास घास होता है, उसका जूस आप, उसके लेमन वाटर, लेमन हमेशा भोजन में यूज करें, उसके बाद गाजर का जूस और बीट रूट का जूस, योगा प्राणायाम, शुगर केन जूस, यू नो, गन्ने की जूस, ये सबसे हमारा लीवर ठीक रहेगा। उसके बाद हमारा लंग्स आता है, लंग्स जो है जानते हैं आप, हमारे शरीर से, हमारे खून से निकालता है टॉक्सिन्स और ऑक्सीजन ले जाता है, तो लंग्स को अगर साफ़ करने के लिए हमें चाहिए कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, लेमन वाटर लेते रहना चाहिए, योगासन करना चाहिए, शारीरिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, कपालभाति, भस्त्र करनी चाहिए, इस तरीके से हमारा लंग्स जो है स्वस्थ रह सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अंग है वो किडनी, किडनी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के अंदर, उसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। किडनी की सफाई के लिए मैं बताऊँ कि इसके लिए भी व्हीट ग्रास जूस लीजिए, लेमन लीजिए, जितने भी गर्मी के समय मेलन्स आते हैं, खरबूज, तरबूज वगैरह वगैरह, उसका यू नो पान करिए, जितने भी सलाद हैं, जितने भी सलाद के आइटम हैं जिसमें ज़्यादा पानी होता है, जैसे खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, टमाटर, इस सब को आप खूब खाइए, तो उसके बाद फास्टिंग करिए, किडनी पैक ले सकते हैं, हिप बाथ भी ले सकते हैं, इस सब से हमारा किडनी स्वस्थ रहता है। और उसके बाद हमारा स्किन है, स्किन त्वचा, हमारे शरीर की त्वचा से हमेशा कुछ ना कुछ निकलती रहती है, तो हम त्वचा को साफ़ करके रखें जिससे हम पसीना आए, ब्लड से जो है यूरिक एसिड निकलता है, यू नो आप देखते हैं वाइट कलर क्लिस्टर के फॉर्म में पसीना से निकलता है, तो हमेशा। दूसरी चीज़, हम स्किन को और कैसे ठीक रख सकते हैं, जैसे लूज़ फिटिंग के कपड़े पहने, लोग बहुत ही टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, तो लूज फिटिंग कपड़े पहने, कॉटन कपड़े पहनने की कोशिश करिए, इससे आपका जो है ना स्किन, आप उसके लिए स्टीम बाथ ले सकते हैं, सन, थोड़ा सा धूप में, तेल लगा के धूप में रह सकते हैं जिससे आपके शरीर में पसीना आएगा, मसाज ले सकते हैं, मसाज की भी तरीका हो सकता है। तो इस तरीके से पाँच अंग जो है आपका, इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स, किडनी, ये पांच अंग को अगर आप डिटॉक्स करके रखेंगे, और जो 9 गेट्स हैं, 9 होल्स हैं हमारे शरीर के अंदर में, उसको भी आप साफ़ करके रखेंगे, तो डेफिनेटली हमें बीमारी से दूर रहने में कोई नहीं यू नो मजबूर कर सकता है, तो हम बीमारी से काफ़ी दूर रहेंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा सिर्फ ये पांच पंचकोश की शुद्धि से, और जो शरीर में 9 गेट्स है उसकी रेगुलर आप क्लीनिंग करते रहिए, इससे आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध रहेगा और कभी कहीं से कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करिए, ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है, लोग बाग ये 9 गेट्स एंड 5 ऑर्गन्स को डिटॉक्स रखना कितना इजी है, कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया, हर ऑर्गन का मैंने बताया कि क्या करना है, और हमारे शरीर में यही 5 है जो हमारे शरीर को शुद्ध रखता है, और शरीर से जब विषैले द्रव्य नहीं रहेंगे शरीर में तो बीमारी कहाँ से आएगी, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, विषैले द्रव्य जो शरीर में जमा हो जाता है वहीं से बीमारी आती है, तो अगर विषैले द्रव्य नहीं रहेंगे, ये जो 5 ऑर्गन है जो विषैले द्रव्य को निकालते हैं हमारे शरीर से, अगर उसको हम ठीक रखेंगे, चुस्त दुरुस्त रखेंगे इस 5 ऑर्गन को, और 9 गेट्स को अगर हम साफ़ रखेंगे तो हमारे शरीर में बीमारी नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी बीमारी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको नए वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हरे कृष्णा, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।